राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को उज्जैन पहुंच गई है, जहां राहुल गांधी ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए और पंचामृत अभिषेक किया। राहुल करीब 13 मिनट तक गर्भगृह में रुके। उन्होंने साष्टांग दंडवत होकर बाबा महाकाल को प्रणाम किया, साथ ही नंदी महाराज के कान में मनोकामना कही। महाकाल मंदिर में राहुल गांधी रुद्राक्ष की माला पहने नजर आए। उन्होंने धोती पहनकर महाकाल की पूजा की। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी उनके साथ मौजूद थे। इसके बाद राहुल गांधी ने एक सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र की मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार रही।